पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम का किया उद्घाटन, बोले दुनिया में काशी तमिल संगमम की गूंज, दक्षिण भारत का उत्तर भारत से ये अद्भुत संगम। सूरत के बाद दो दिन के प्रवास पर काशी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए, कहा देश में गरीबी और अमीरी का भेद मिट रहा। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता, एयरपोर्ट से कटिंग मेमोरियल स्कूल की तरफ जा रहे थे पीएम। सूरत को पीएम मोदी की सौगात, 353 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन, सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिल चुका है दर्जा। सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने किया रोड शो, सड़क किनारे लोगों ने किया पीएम का अभिवादन। सूरत में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोर्स का भी किया उद्घाटन, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। सूरत में पीएम मोदी ने फिर से दोहराया संकल्प, कहा तीसरी पारी में भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, मोदी ने दी है देश को गारंटी। अनुच्छेद 370 हटाने पर पीएम मोदी की दो टूक, कहा ब्रह्मांड की कोई ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती, एक निजी अखबार से पीएम मोदी ने की बातचीत। संसद स्मोक कांड में अब आरोपियों से आमने सामने हुई पूछताछ, साजिश के तार जोड़ने की कोशिश, राजस्थान में मिले कई सबूत। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से बरामद किया आरोपियों के जले हुए फोन, ललित झा पर है संसद कांड के बाद फोन जलाने का आरोप। संसद सुरक्षा कांड पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा वाद विवाद की जगह पूरे मामले की गहराई में जाना जरूरी, सुरक्षा में चूक पर स्पीकर पूरी तरह से गंभीर। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, प्रमोद तिवारी ने सुरक्षा में चूक को बताया सरकार की विफलता, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग। संसद से हमारी पर संजय राउत का बयान, किसी दूसरी पार्टी या फिर किसी दूसरे धर्म का सांसद होता तो अब तक हिंदू मुसलमान हो जाता। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। 21 दिसंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, 5 राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ में हार के बाद भूपेश बघेल से कांग्रेस हाईकमान नाराज, सूत्रों से मिली जानकारी नाराजगी के कारण बघेल को सीएलपी लीडर नहीं बनाया। सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात, कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। एबीपी न्यूज से बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं लागू रहेंगी, अपराधियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विवादित बयान, कहा नीतीश और लालू प्रसाद को गर्दन पकड़कर सरकार की गद्दी से हटाएंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर बातचीत से पहले केजरीवाल ने किया बड़ा इशारा, लोकसभा में पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है अकेले चुनाव। मुंबई के चैंबूर में युवाओं के साथ सीएम एकनाथ शिंदे ने खेली क्रिकेट, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री। नागपुर में सोलार एक्सप्लोजिव कंपनी में धमाका, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 9, 4 लोग घायल, मृतक के परिजनों को 5 लाख मुआवजे का ऐलान। नागपुर में एक्सप्लोजिव कंपनी में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत पर फूटा परिजनों का गुस्सा, मजदूरों के रिश्तेदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ और नक्सलियों में मुठभेड़, 1 सीआरपीएफ जवान शहीद, 1 जख्मी, सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए 4 संदिग्ध। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 हाइब्रिड आतंकवादी को किया गिरफ्तार, इनमें एक पुलिसकर्मी पर हमले में था शामिल। उड़ीसा के जाजपुर से आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में कश्मीरी गिरफ्तार, राष्ट्र विरोधी दस्तावेज और फर्जी मेडिकल डिग्री बरामद। महादेव ऐप के जरिए 400 करोड़ की ठगी का आरोपी नोएडा से गिरफ्तार, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से करता था ठगी। प्रेमी के जानलेवा हमले में घायल प्रिया सिंह का पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा पुलिस वाले ने जबरन साइन लेने की कोशिश। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की शानदार जीत, अफ्रीकी टीम को 116 रन पर समेटने के बाद 17वें ओवर में ही जीत दर्ज की, अर्शदीप सिंह ने 5 और आवेश खान ने लिए 4 विकेट। राजस्थान के अजमेर में भीषण सड़क हादसा, हादसे में कार में 3 लोग जिंदा जले और 2 जख्मी। यूपी के संभल में गन्ने की तोल को लेकर किसानों और शुगर मिल में सुरक्षा गार्ड्स के बीच हुई मारपीट, 5 गन्ना किसान घायल। अयोध्या में जोर शोर से चल रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां, श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बनाई जा रही टेंट सिटी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने पीएम मोदी को बताया विष्णु का अवतार, कहा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान नहीं, श्रद्धालु के रूप में शिरकत करेंगे पीएम। पीएम मोदी की भगवान विष्णु से तुलना पर इकबाल अंसारी का बयान, एक इंसान बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन भगवान नहीं।